हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरा यूट्यूब चैनल में बनने जा रहा है पास्ता। तो आज हम गेहूं के आटा से पास्ता बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक कटोरी हम आटा लिए हैं, इसको हम छान लेंगे। तो इसको हम ये में छान ले रहे हैं अंगिया से। आप लोग भी छान के बनाइएगा आटा को। तो जो हम बाहर के जो पास्ता खाते हैं वो मैदा का रहता है, ये जो हम बनाएंगे ये गेहूं का आटा का है। तो इसमें हम जरा सा नमक देंगे। तो देखिए, जरा सा नमक देंगे और तब इसको हम सानेंगे पानी दे के, एक हल्का डो बनाएंगे छोटा सा। तो देखिए, यहाँ पर हम नमक थोड़ा सा डाल के मिला लिए हैं। अब इसमें को पानी दे के डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम इसको डो बनाएंगे। इसको टाइट डो बनाने होगा, एकदम से ढीला नहीं, आटा गीला नहीं होना चाहिए, एकदम इसका डो टाइट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी देके हम आटा को गूथेंगे। तो देखिए, मेरा आटा को सान लिए हैं, एक ठो सान के हो गया है मेरा तैयार। अब इस तो चलिए, अब हम पास्ता बनाना शुरू करते हैं। ये छोटा छोटा हम लेंगे लोई, ऐसे माफिक, देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, ऐसे ऐसे हम छोटा छोटा लोई ऐसे काट लेंगे। और काट के तब आप लोग के पास्ता बना के हम दिखाते हैं कि घर में पास्ता कैसे बनाया जाता है। तो इतना सारा हम काट ले रहे हैं, 10-15 ठो, तब बना के आप लोग को दिखाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तो ये देखिए, हम इसमें सूखा आटा थोड़ा सा लगाएंगे, ऐसे बना लिए, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे। देखिए, एक साइड से निकल गया और फिर इसको दूसरा साइड ऐसा ऐसे। मेरा दादी लोग पहले गुरमी दाल में बना कर डालता था दादी लोग। तो ऐसे आज हम पास्ता बनाएंगे इसको। तो देखिए आप लोग सारे, हम इसका डिज़ाइन बना दो पास्ता में, और दो तीन आपका जो सा डिज़ाइन है हो सकता है वो बना सकते हैं, लेकिन हमको तो ऐसे आसान लग रहा है। और हम आप लोग को डिजाइन बना के दिखा देते हैं कैसा बनाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे हो गया, सूखा लटा दे दिए, फिर इसको थोड़ा सा चपका दीजिएगा ऐसे करके। और एक किस्म का और बना रहे हैं ऐसे, देखिए बना दिए। अब इसको चिपका दीजिए, चिपटा कर दीजिए, चिपटा कर दीजिए, चिपटा करके इसको थोड़ा इससे फोल्ड कीजिएगा ऐसे ऐसे, और फिर एक बार और घुमाइएगा ऐसे। ये हो गया देसी पास्ता। तो ये है पास्ता, देसी पास्ता। तो देखिए कैसा हो रहा है मेरा पास्ता, आप लोग को देखिए कैसा लग रहा है। ये आटा का है। तो देखिए, हम यहाँ बना कर रखे हैं दो ठो, ये एक ठो, ये आइए। इसी तरह हम सारी पास्ता को बना के दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए, मेरा सारा पास्ता बन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसको गैस के पास लेकर। दो किस्म का पास्ता इसमें बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा डिजाइन इसमें अच्छा लग रहा है। और कौन सा डिजाइन कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा कौन सा डिजाइन पास्ता क्या अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, वो भी बताइएगा। देखिए, मेरा पानी एकदम गर्म हो गया है। अब इसमें हम सारा पास्ता अपना डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे, नहीं तो क्योंकि चपक जाएगा। तो एक हो दो दो करके हम सारा पास्ता को हम डाल देते हैं। देखिए, देखिए हम सारा पास्ता एक करके डाल दिए हैं। और कैसे हमारा एक हो डबक डबक के ऊपर पड़े आ रहा है। तो एक साथ में कभी न तो आप लोग डालिएगा, ये एक छोटा छोटा टिप को याद रखना पड़ता है, नहीं तो एक संग में डालने से क्या होता है ना, चपक जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा ये पास्ता डबकेगा वैसे वैसे सारा पास्ता ऊपर आ जाएगा। इसको हम कम से कम 10-12 मिनट खूब बढ़िया से उबाले हैं। तब इसको हम कुछ में लेकर देखते हैं ऐसे। हम एक ठो कुछ काठी ले लीजिएगा, माचिस के चाहे ऐसे टू पीस में ऐसे। देखिए, तो ये चिपक नहीं रहा है, देखिए हो गया है। इसी तरह से हम सारे देख रहे हैं ट्राई करके। तो देखिए, इसमें हम ट्राई करके देख रहे हैं, तो ये मेरा हो गया है, एक जड़ा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब अच्छे से पक गया है। तो अब कुछ छन्नी में हम इसको छान लेंगे, कोई बड़ा सा छन्नी में। तो देखिए, मेरा छान रहे कुछ छन्नी में,
तो इसको ठंडा पानी से हम धो देंगे। देखिए ये इसका मार देख लीजिए कैसा निकला है। अब इसको हम ठंडा पानी देके इसी में इसको धो देंगे। इसे क्या होगा कि मेरा चपकेगा नहीं। तो ये ठंडा पानी से धो दिए हैं। अब मेरा पास्ता बन के अब इसको पंखा के नीचे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम मसाला बनाएंगे। तेल मेरा अच्छा से गर्म होगा। 3 से 4 चम्मच हम तेल दिए हैं, रिफाइंड सादा तेल है। तो चलिए अब इसमें हम देंगे मिर्चा। अब देखिए ये है मेरा गाजर, बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्चा, ये है प्याज। तो अब इसमें हम देंगे प्याज। थोड़ा सा प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसमें देंगे लहसुन, थोड़ा सा लहसुन है। आप अदरक भी पसंद अदरक दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अदरक नहीं है तो नहीं दिए। अब इसमें हम देंगे सब्जियाँ। इसमें देंगे गाजर, बीन्स, उसके बाद देंगे शिमला मिर्चा। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद हम देंगे टमाटर। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर दें। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए मेरा कितना अच्छा से सब्जी रेडी हो गया है। अब इसमें देंगे टमाटर। जो टमाटर एक ठो काट के रखे थे इसको दे देंगे। तो इसमें सब्जी में हम नमक दे देते हैं। तो ये देखिए स्वाद के अनुसार हम नमक देंगे, ताकि हमारा तो पास्ता में नमक है, इसमें हम थोड़ा ही सब्जी के अनुसार देंगे। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे सब्जी को अच्छे से। तो देखिए मेरा सब्जी हो गया है। अब इसमें हम देंगे मसाला देंगे। तब इसमें हम देंगे मसाला, मैगी मसाला दीजिए या पास्ता मसाला दीजिए, आप कोई भी मसाला दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पास्ता मसाला दिए हैं, मैगी मसाला दिए हैं, सॉरी मैगी मसाला है, पास्ता मसाला नहीं है। टमाटर सॉस, एक थोड़ा सा हम देंगे इसमें सोया सॉस, गरम कर दिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो पास्ता बना के रखे हैं वो। देखिए तो इसको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे इसको। तो देखिए मेरा देसी पास्ता बनके रेडी हो गया है। अब एक प्लेट में हम सर्व कर रहे हैं। कैसा लगता है मेरा वीडियो आप लोग के, जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा था। तो देखिए मेरा पास्ता एक प्लेट में सर्व कर दिया है। कितना अच्छा मेरा पास्ता लग रहा है। और देखिए आप लोग देख सकते हैं, और चम्मच से हम चला कर दिखा रहे हैं। तो देखिए यह है ना देसी पास्ता बन के रेडी है गेहूं के आटा से। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग के, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए जैसे हम लोग बाहर के बाजार के जो हम लोग मैदा वाला जो पास्ता बनाते हैं उसी तरह एकदम बिल्कुल हुआ है, लग नहीं रहा कि मेरा आटा का पास्ता है। ये जो पास्ता है बहुत हेल्दी है और बहुत फ़ायदा करेगा। और जो हम लोग मैदा के जो खाते हैं पास्ता, वो सेहत के लिए हानिकारक भी है। तो इस तरह आप लोग भी घर में बनाइए आटे से पास्ता, और बच्चों को बड़ों को खिलाइए, और बच्चा बड़ा खाकर खुश हो जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक